नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों को लेकर भारत को नहीं कोई जल्दबाजी। विदेश मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार के लिए देशवासियों का हित सर्वोपरि। डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 5 समझौते होने की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों से धारा 371 हटाने का कोई सवाल ही नहीं। ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के 34वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उग्रवाद और सीमाओं को लेकर अंतर सरकारी संघर्ष जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जताई केंद्र की प्रतिबद्धता। धर्म, जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती भारतीय सेना। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, महिला अधिकारियों को देश सेवा और करियर में आगे बढ़ने का मिलेगा समान अवसर। जनसेवा और आवश्यक सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम है राजनीति। भारतीय छात्र संसद के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। युवाओं से बड़ी संख्या में राजनीति में आने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से जुड़े कार्यक्रम में 22 भाषाओं में बोलकर उपराष्ट्रपति ने किया सबको चकित। और कोरोना वायरस को प्राकृतिक आपदा मानते हुए कच्चे मालों की सरकारी आपूर्ति करने वाले कारोबारियों को आयात निर्यात में ढील। वित्त मंत्रालय ने दिया फोर्स मेजर क्लॉज लागू करने का निर्देश। एयर इंडिया ने 30 जून तक बढ़ाया चीन आने जाने वाली उड़ानों का निलंबन। चीन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2118 पहुंचा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इन समझौतों में बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार सुगम बनाने के उपाय और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषय शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के कोवर में 1100 मेगावाट के 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के संबंध में भी सहमति बन सकती है। हालांकि इस यात्रा के दौरान व्यापक व्यापारिक समझौते नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस पर बातचीत चल रही है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। The context was in terms of the balance of trade, and in that context, the remarks were made. You are also aware that in the last few years, efforts have been taken by India to reduce, to address this particular concern. And now US is the sixth largest source of crude oil imports, and we are also purchasing a large number of civilian aircraft, and we do feel that some of these steps will kind of bridge the trade deficit, you know, which exists at this point of time. वहीं चीन में कोरोना वायरस को लेकर रवीश कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने वुहान के लिए एक राहत की उड़ान के तहत चिकित्सा आपूर्ति की एक विमान खेप भेजने का फैसला किया है। वापसी यात्रा के दौरान उन भारतीय नागरिकों को विमान से लाया जाएगा जो पहले 2 उड़ानों में सवार नहीं लाए जा सके थे। वहीं जापानी जलपोत पर सवार भारतीय लोगों में से 8 के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। Who could not board the first 2 flights. Those interested to come back, they have been asked to contact our embassy. And we do understand that we have now collected the names of those people. And subject to capacity limitations and other logistics, we will accommodate nationals of other countries as well. The advisories regarding to and from travel to China, it remains in place. And this is purely to maintain public health so that infection does not spread
to different parts of India. As I clarified last time, that there is no ban on travel to China or from China. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पहली भारत यात्रा 24 फरवरी को अहमदाबाद से शुरू करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी उनकी भारत यात्रा की शुरुआत में रोड शो में हिस्सा लेंगे। सोमवार को अहमदाबाद में स्वागत के लिए 22 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 मंच होंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत की विशाल संस्कृति और विरासत से रूबरू कराया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गुजरात में सीएम विजय रूपानी ने ट्रंप की यात्रा से पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रथम महिला मेलियाना ट्रंप फिर आगरा का दौरा करेंगे। ट्रंप दंपत्ति यहां ताजमहल में करीब एक घंटा बिताएंगे। इसके बाद ट्रंप दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में 25 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में उनका शानदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद ट्रंप दंपत्ति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे और दोपहर में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। To India, we do understand that it will be a standalone visit, which is a very significant thing. This will be President Trump's fifth meeting with Prime Minister Modi in 8 months. It reflects the renewed and growing intensity of high-level engagements between the two countries. The visit will be brief, very intense, over a span of 36 hours. There are three legs to the visit, starting with Ahmedabad, followed by Agra, and Delhi. I thought I'll just give you a sense of the timings involved for each leg of the visit. I'll start with the Ahmedabad leg. The President Trump will land around noon, and from there he goes to the Motera Stadium to address the Namaste Trump event jointly with Prime Minister Modi. This will be very similar to the Howdy event which took place in Houston. अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा से पहले कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का एक बैच खरीदने के लिए एक सरकारी समझौते को मंजूरी दी। शीर्ष सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता के बाद समझौते पर मुहर लगाने के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस डील के बाद भारत की सामरिक ताकत में बढ़ोतरी होगी और भारत अमेरिका के संबंधों को नया आयाम मिलेगा। इस डील के माध्यम से हिंदुस्तान की नेवी की क्षमता में 4 चांद लगेंगे। ये दुनिया का सबसे तकड़ा एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है और दुश्मन के सरफेस शिप्स के डिस्ट्रॉयर है। प्रूवन है, बैटल टेस्टेड है और अपाची की तरह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इससे चाइना और पाकिस्तान की दोनों की जो वरीज हैं बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेंगी। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से एयर इंडिया की शंघाई और हांगकांग जाने वाली फ्लाइट के निलंबन की समय सीमा को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जापानी पोत पर सवार दो और भारतीयों को कोरोना वायरस से प्रभावित होने की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही बीमारी से प्रभावित भारतीयों की संख्या 8 हो गई है। इसके अलावा गुरुवार को 13 और लोगों में कोरोना के संक्रमण को पाया गया है। पोत पर सवार कुल 3,711 यात्रियों में से 621 लोग बुधवार को वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। पोत पर कुल 138 भारतीय सवार थे, जिनमें से 132 चालक दल के सदस्य और 6 यात्री हैं। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,118 पहुंच चुका है। इस संक्रमण से सबसे अधिक ग्रस्त हुबेई प्रांत में 93 और लोग इस महामारी के शिकार हो गए। इसके अलावा हांगकांग में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। हांगकांग में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली ये दूसरी मौत है। ईरान में भी कोरोना वायरस के पहले 2 मामलों की सूचना मिली है। दोनों ही मामलों में संक्रमित लोगों की मौत हो गई। मध्य पूर्व में कोरोना वायरस के कारण होने वाली ये पहली मौत की घटना है
घटना है। वहीं चीन के राजदूत के साथ हाल ही में एक बैठक में भारत की स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने उन विद्यार्थियों का मुद्दा उठाया था जो चीन से लौटे हैं। विद्यार्थियों का कहना था कि चीन के विश्वविद्यालयों द्वारा वापस अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने का दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले में बातचीत के बाद चीन के दूतावास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित किया कि चीन की राज्य परिषद ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए नए सेमेस्टर को स्थगित करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस से प्रभावित कारोबार जगत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसी के तहत उन कारोबारियों को राहत देने का फैसला लिया गया है जिन्हें इन दिनों चीन से माल आयात करने में परेशानी झेलनी पड़ रही है और विभिन्न सार्वजनिक खरीद कार्यक्रमों के तहत सरकार को सामानों की आपूर्ति करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से व्यापार जगत पर असर देखने को मिला है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने पीड़ित कारोबारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारत चीन व्यापार के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने सभी विभागों को फोर्स मेजर क्लॉज लागू करने के लिए कहा है। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस को प्राकृतिक आपदा मानकर विभिन्न कच्चे मालों की सरकारी आपूर्ति करने वाले कारोबारियों को आयात निर्यात में ढील दी जाएगी। गेट क्लासिफाइड इन द केस ऑफ अ कैलामिटी देन वन बिकम एलिजिबल फॉर मेनी कंजेशन द रिबेट्स एंड यू नीड वन रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सटेंडिंग समटेन व्हाट वी कॉल स्टिमुलस यू आर गिविंग कंजेशन और पुटिंग सम गवर्नमेंट एक्सचेकर मनी फॉर द सपोर्ट दैट। So if we declare that this is a calamity for that particular area or industry, etc., then obviously that area, that industry or that sector becomes entitled or eligible for all this concession. Force major clause, जिसे अप्रत्याशित घटना भी कहा जा सकता है, अगर ये नियम लागू होता है, तो आपदा की वजह से किसी भी चीज के आयात या निर्यात में देरी होने पर उसे लापरवाही नहीं माना जाएगा और अलग से कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। साथ ही क्षतिपूर्ति की मांग भी नहीं होगी। कोरोना वायरस हैज हिट चाइना लाइक एनीथिंग एंड द वे इट हैज स्प्रेड ड्यूरिंग द लास्ट वन मंथ इट हैज वर्चुअली पुट ऑल एवरी एक्टिविटी इन चाइना टू हॉल्ट एंड चाइना बीइंग ग्लोबल कैपिटल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सो मेनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट अपॉन द वेरियस सप्लाइज मे बी रॉ मटेरियल मे बी सेमी फिनिश्ड गुड्स मे बी कंपोनेंट्स एटसेट्रा होता है। इस बीच फार्मास्यूटिकल विभाग ने विदेश व्यापार महानिदेशालय से कहा है कि चीन को निर्यात की जाने वाली 12 तरह की दवाई सामग्रियों पर वो रोक लगाए। उद्योग और अन्य संगठनों के साथ बातचीत के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि कोरोना वायरस की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या कानून के तहत तीन देशों से आए मुस्लिम शरणार्थियों को निर्वासित कर दिया जाएगा? जी नहीं, यह कानून किसी भी विदेशी नागरिक के निर्वासन से संबंधित नहीं है। किसी भी धर्म या जाति के विदेशी नागरिक के देश में प्रवेश करने, रहने या निर्वासन की प्रक्रिया फॉरनर्स एक्ट 1940 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत संचालित की जाती है। असम में हुए कुछ निर्वासन के मामलों में फॉरनर्स एक्ट 1940 के तहत आए विदेशी लोगों को ही निर्वासित किया गया था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि छात्रों को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी बराबर रुचि लेनी चाहिए। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें छात्र संसद सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में चर्चा परिचर्चा के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और जनमत सर्वोच्च होता है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय लोकतंत्र को दुनिया के लिए उदाहरण बताया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए इन छात्रों के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। ये छात्र 10वीं छात्र संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस खास मौके पर समारोह को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति एक मिशन है जिसकी सोच में लोगों का भला होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का मंत्र है कि असहमति पर भी सहमत रहिए, जनमत का सम्मान कीजिए। उन्होंने कहा कि असल में लोकतंत्र प्रशासन की सबसे बेहतरीन प्रणाली है। So now the youth of the country must read history, our heritage, our culture and the great sacrifices and also the teachings and preachings of great gurus, sages and the leaders from time to time. The time has come. Please note, as I was telling that India is the largest parliamentary democracy, as a matter of fact, parliamentary democracy is the best form of government. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वक्त आ गया है जब देश से गरीबी और अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए ताकि देश की तरक्की की रफ्तार को तेजी दी जा सके। समारोह में शामिल युवाओं को उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे की ओर से 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कई राजनेताओं, विधिक जानकारों के साथ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा TV। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज दिल्ली में आयोजित हुनर हाट देखने पहुंचे। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनर हाट में देश भर के हुनरमंद लोगों की कला प्रदर्शित की जा रही है। उपराष्ट्रपति ने हुनरमंद लोगों से मुलाकात की और उनकी कला को सराहा। हुनर के उस्तादों की जानदार शानदार विरासत को सहेजने और उनके हुनर को दुनिया भर के सामने पेश करने का मजबूत मंच हुनर हाट। पारंपरिक कला और विरासत को सहेजने की इस खास पहल में जुटे हुनरमंदों का हौसला बढ़ाने के लिए गुरुवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हुनर हाट पहुंचे। उन्होंने कारीगरों और दुकानदारों का हाल चाल जाना, उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ रही। उपराष्ट्रपति महामहिम श्री एम वेंकैया नायडू जी ने दस्तकारों, शिल्पकारों और देश भर से आए हुनर के उस्तादों की हौसला अफजाई की और उनसे अलग अलग स्टॉल पर मिले, उनसे बातचीत की। हमारी जो हुनर की ये बहुत पुरानी शानदार विरासत है, ये हुनर हाट उसको जानदार बनाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है और देश भर के दस्तकार शिल्पकारों की जो विरासत लुप्त हो रही थी वो एक बार फिर से मजबूत हो रही है। हुनर हाट में देश के विभिन्न हिस्सों से कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल जैन भी हुनर हाट को देखने पहुंचे। ये सही मायने में अपने नाम को चरितार्थ करता है। दूसरी बात, एक इसने कैप्शन जो जोड़ा है नकवी जी के मंत्रालय ने, वो बहुत दिल को छूने वाला है, स्वदेशी उस्तादों के हुनर का मेला। वो सही में ऐसा दिखता है, बहुत रोमांचक करने वाला है। हुनर हाट में 250 से ज्यादा स्टॉल्स लगे हैं, जहां 20 से ज्यादा राज्यों के दस्तकारों और शिल्पकारों को मौका और बाजार मुहैया कराया गया है। कौशल को काम थीम पर आधारित ये हुनर हाट 13 फरवरी से 23 फरवरी 2020 तक आयोजित किया गया है, जहाँ देश भर के हुनर के उस्ताद, दस्तकार, शिल्पकार खानसा में भाग ले रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनर हाट, जहां पे देश के कोने कोने से आए हुनरबाज अपना हुनर दिखा रहे हैं, उसी बीच में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के दौरे ने उन हुनरबाजों को एक नई दिशा दी है। मैं विपुल अग्रवाल, कैमरामैन जितेंद्र नेगी के साथ, राज्यसभा TV। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह के मौके पर मातृभाषा के संरक्षण संवर्धन के महत्व को उजागर करने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खुद 22 भाषाओं में बोलकर सभी को हैरान कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वो मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की शपथ लें और अन्य भाषाओं को भी सीखें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा बौद्धिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति का साधन है, जो लोगों को एक साथ लाता है और एक समाज का निर्माण करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषाएं निरंतर प्रयोग से पोषित होती हैं। यदि आप किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इसे खो देते हैं। From where we have come, what is our culture,
what is our heritage, what is our tradition, will be known by the language you speak. That's why language promotion of mother tongue is very, very, very important. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया गया तो उत्तर पूर्व में भी अफवाहें और गलतफहमी फैलाई गई कि 370 के साथ ही 371 को भी हटा दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 371 को कोई हटा नहीं सकता और ना ही हटाने की किसी की मंशा है। अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के 34वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी ईटानगर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना था और अगस्त महीने में जब धारा 370 को हटाने का फैसला मोदी जी ने किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अफवाहें फैलाई, एक प्रकार की गलत फहमी फैलाई गई कि धारा 370 के साथ 371 को भी हटा देंगे। मैं आज अरुणाचल के स्थापना दिन और मिजोरम के स्थापना दिन के दिन समग्र नॉर्थ ईस्ट को कहना चाहता हूं कि धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता, ना हटाने का किसी की मंशा है। सुप्रीम कोर्ट के सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के आदेश का थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने स्वागत किया है। जनरल नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना धर्म, जाति, पंथ या लिंग के आधार पर किसी भी सैनिक के साथ भेदभाव नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि इस वक्त सैन्य पुलिस केंद्र और स्कूल में 100 से ज्यादा महिला अफसर ट्रेनिंग ले रही हैं। कि आर्मी में, सेना में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, या तो वो जाति पर हो या लैंगिक हो, और सेना और फौज हमेशा इस बारे में आगे रही है। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आर्मी ही है जिन्होंने जवानों के रैंक में महिलाओं को भर्ती किया है सीएमपी में, और हम इसी तरह आगे भी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जोर देते रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यकाल का आज दूसरा बजट उन्होंने पेश किया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने 7 संकल्पों का उल्लेख किया। जिन 7 संकल्पों के साथ बजट पेश किया गया उनमें निरोगी राजस्थान, संपन्न किसान, महिला बाल और वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर शामिल है। बजट में युवाओं के लिए 53,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के निरोगी राजस्थान के कोष का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए 39,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया जाएगा। वहीं स्कूलों में शनिवार के दिन नो बैग डे घोषित किया जाएगा। कृषि और सौर ऊर्जा में अपार संभावनाएं हैं, लिहाजा गहलोत सरकार ने 25,000 नए सोलर पंप लगाने का फैसला भी किया है। राज्य में 8,500 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण भी होगा। वहीं जन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में भी 5% का इजाफा किया है। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई जो 28 फरवरी तक चलेगी, और बजट सत्र के पहले दिन शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने बिजली के मुद्दे पर सदन में विरोध जताया। विपक्ष की ओर से बिजली दरों में वृद्धि के मामले में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने के नेतृत्व वाली सरकार 25 फरवरी को विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश करेगी और इसके बाद 26 फरवरी को सदन में बजट अनुमानों पर बहस शुरू होगी। वहीं हरियाणा विधानसभा में भी आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश की गठबंधन सरकार का लेखा जोखा सदन में रखने के साथ ही भविष्य का रोडमैप भी पेश किया। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन वाली सरकार 28 फरवरी को अपना पहला बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2020-21 का बजट पेश करेंगे।
वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन 23 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में वनवासी रक्षा परिवार कुंभ का आयोजन कर रहा है। इसमें देश के 11 राज्य, दिल्ली NCR और आसपास के महानगरों से वनवासी जागरण एवं कल्याण के कार्य में लगे हुए कार्यकर्ता और सेवाभावी लोग उपस्थित होंगे। वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस कुंभ का उद्देश्य नगरीय समाज को वनवासी क्षेत्रों की समस्याओं से जोड़ना है। इस देश के सभी प्रकार के जो बंधु हैं, जंगल से लेकर महानगरों तक, दिल्ली के झुग्गियों से लेकर महलों तक, इनके बीच में समरसता हो, इसलिए हमने समरसता सहभोज का भी आयोजन किया। घर घर से, झुग्गियों से लेकर महलों तक, एक एक मुट्ठी चावल दाल लेकर और खिचड़ी पकाकर सब ने एक साथ सहभोज किया। ये अभियान पिछले 2.5 महीने से दिल्ली में संचालित हो रहे थे। इसका अंतिम कार्यक्रम 23 फरवरी को है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री को दृष्टिहीन लोग आसानी से पढ़ सके, इसके लिए दिव्य नयन उपकरण तैयार किया गया है। CSIO CSIR के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस उपकरण को तैयार किया है। इसे दिव्य नयन पर्सनल रीडर फॉर दी विजुअली इम्पेयर्ड नाम दिया गया है। इस उपकरण को किसी पुस्तक, अखबार या अध्ययन सामग्री के ऊपर से गुजारा जाए तो ये सामग्री को स्कैन कर लेगा। इस उपकरण की मदद से अध्ययन सामग्री को सुना भी जा सकता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे ने इस उपकरण के बारे में जानकारी दी। जो किसी भी आदमी जो विजुअली चैलेंज्ड हो, जिसे कुछ दिखता नहीं हो, उसके हाथ में अगर ये दे और वो आदमी अगर एक पेपर को स्कैन कर पाए और स्कैनर के थ्रू जो भी कुछ पेपर में लिखा हो उसे वो जो डिवाइस जो है वो पढ़ पाता है क्या है, तो इसमें टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर है और स्कैनर है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से ही ओजोन परत का क्षय हो रहा है और अब वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि अनिश्चित मौसम पैटर्न जल्द ही पूरे कोरल रीफ निवास को 2100 तक मिटा सकता है। कैलिफोर्निया के सैन डियोगो में महासागर विज्ञान बैठक 2020 में प्रस्तुत किया गया एक नया शोध पत्र एक गंभीर भविष्यवाणी को उजागर करता है। इसके मुताबिक अगले 20 सालों में सभी प्रवाल भित्तियों का 70-90% तक गायब होना तय है। शोधकर्ताओं ने बताया कि ये परिणाम कुछ विनाशकारी प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं, जिससे पृथ्वी की जलवायु गर्म हो जाएगी। हालांकि प्रदूषण से समुद्री जीवों को कई खतरे हैं, लेकिन नए शोध से पता चलता है कि कोरल अपने पर्यावरण में उत्सर्जन चालित परिवर्तनों से सबसे अधिक खतरे में है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।